नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर हैं हम। बिल्कुल, यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों तेज है। ऐसे में यहां की हर सियासी खबर से आपको हम रूबरू कराएंगे। इसके अलावा आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। तो इस खास बुलेटिन में तमाम सियासी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही बारिश हो रही है। जहां तीन दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उत्तर भारत में बारिश से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बारिश जारी है और कल रात से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जिस वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक बारिश जारी है और मौसम विभाग ने भी अगले तीन दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया है। तो मौसम बिगड़ा हुआ है। राजनीति की तो खबरें गुंजन चल ही रही हैं, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ है इस वक्त दिल्ली एनसीआर का, और उत्तराखंड से लेकर तमाम मैदानी इलाकों में भी इसी तरह बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि जो दिल्ली वाले हैं वो शायद थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बारिश के बाद लगता है ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे सियासी खबरों की। यूपी चुनाव के लिए चार चरणों के प्रत्याशियों के नामों का भाजपा ऐलान कर चुकी है और अब आज भाजपा के दिग्गज मिशन पश्चिमी यूपी पर निकलेंगे। ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। तूफानी डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए सीएम योगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी के जिलों में भाजपा का माहौल तैयार करेंगे। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों का दौरा करेंगे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे अलीगढ़ में वे घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं दोपहर तकरीबन 2 बजे बुलंदशहर दौरे पर वे पहुंचेंगे। यहां भी उनका डोर टू डोर कैंपेन और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठकों का कार्यक्रम है। सीएम योगी ने एक ट्वीट भी इस दौरान किया, जिसमें सपा को 10 मार्च को शर्मनाक हार के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने ये ट्वीट किया है। तो वहीं अमित शाह पश्चिमी यूपी के मेरठ और शामली जिले के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। यहां के लिए शाह की खास रणनीति है। आज शाह मेरठ और शामली में पलायन करने वाले पीड़ित व्यापारी और परिवारों से मुलाकात करेंगे। यानी शाह आज योगी सरकार की कानून व्यवस्था के दम पर पलायन के मुद्दे को एक बार फिर से धार देने की कोशिश करेंगे। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी के बिजनौर और अमरोहा जिले के दौरे पर भी पहुंचेंगे। यहां वे डोर टू डोर कैंपेन करने के साथ ही कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। वे बूथ लेवल की रणनीति को मजबूत करने की दिशा में दिशा निर्देश भी देंगे। नड्डा दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। जनसंपर्क करने के बाद दोपहर तकरीबन 3 बजे वे अमरोहा पहुंचेंगे। तो कल से ही जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम शुरू है, जहां कल भी वे आगरा और बरेली में थे और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की बंदिशें हैं गुंजन। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन और बहुत अलग तरीकों से डिजिटली भी बहुत तरह के कैंपेन फॉर्म मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में सपा आरएलडी में रार बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। माठ विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच ठनी है। सपा एमएलसी संजय लाठर की पत्नी ने भी नामांकन भर दिया है। वहीं आरएलडी प्रत्याशी रोगेश नौहवार पहले भी नामांकन कर चुके हैं। 2017 में बसपा के श्याम सुंदर से सिर्फ 432 वोट से नौहवार हारे थे। 8 बार से माठ विधायक है बसपा के श्याम सुंदर शर्मा। खास बात इनकी यह है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन यहां से जीत लगातार श्याम सुंदर शर्मा ही दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में अब जब चुनावी माहौल बन रहा है तो नामांकन भरने को लेकर भी होड़ है, साथ ही साथ टिकट मिलने को लेकर भी होड़ है। सपा आरएलडी में रार बढ़ने की आशंका अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारना चाहती है, दूसरी तरफ आरएलडी भी पीछे नहीं हटना चाहती। बिल्कुल, तो गुंजन जहां प्रत्याशियों के बीच तो ऐसी टसल हमें देखने को मिल रही है और पार्टियां भी इसे बढ़ा रही हैं अपनी सूची जारी कर। भाजपा ने अब शुक्रवार को तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए भाजपा इस बार 15 महिला प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले 107 प्रत्याशियों के ऐलान पर भाजपा ने 5 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था। इस लिहाज से भाजपा अब तक 20% महिला उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है।
वहीं भाजपा की चौथी लिस्ट में एक और दिलचस्प बात रही। तीसरे चरण में भाजपा ने सबसे ज्यादा दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हुए चेहरों पर दांव खेला है। साथ ही पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को भी उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा भाजपा ने अदिति सिंह, नितिन अग्रवाल, रिया शाक्य जैसे दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हुए चेहरों पर इस बार भरोसा जताया है। बिल्कुल, तो इसी तरह से जो ये नेता अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसी उम्मीद में ज्यादातर गुंजन नेता आते हैं ऐसे समय पर कि उन्हें या तो टिकट ना मिले, टिकट कट जाए, ऐसे में दूसरी पार्टी का रुख टिकट मिलने की उम्मीद में ही किया जाता है और इसी वजह से इन तमाम लोगों को भी शायद अब टिकट मिला। भाजपा की एक और लिस्ट जारी, यूपी फतह की तैयारी। नई लिस्ट में 85 के नाम, 15 महिलाओं को मिला इनाम। कई विधायकों का गिरा विकेट, पाला बदलकर आने वालों को मिला टिकट। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के बीच भाजपा ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में भाजपा के 85 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें 15 महिला उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में 6 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया है। टिकट कटने वाले विधायकों में परखेड़ा से किशनलाल राजपूत की जगह स्वामी प्रवक्ता नंद को टिकट दिया गया है। बिसलपुर सीट से अज्ञास राम शर्मा की जगह विवेक वर्मा को मैदान में उतारा गया है। संडीला से राजकुमार अग्रवाल का टिकट काटकर अलका अर्कवंशी को दिया गया है। बबेरू से चंद्रपाल कुशवाहा की जगह अजय पटेल को टिकट मिला है। नरेनी से राजकरण कबीर की जगह ओम मणि वर्मा को टिकट मिला है। लेकिन जहां भाजपा ने अपने विधायकों का टिकट काटा है, वहीं पाला बदल कर आई नेताओं को झोली भरकर टिकट दिया गया है। कांग्रेस छोड़कर आई अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट मिला है। मुलायम के समधी और सपा से 3 बार के विधायक रहे हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट दिया गया है। सपा से आए नितिन अग्रवाल को हरदोई से उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा से आए रामबीर उपाध्याय को सादाबाद से मैदान में उतारा है। बसपा से ही आए अनिल सिंह को पूर्वा से टिकट मिला है। कांग्रेस से आए राकेश सिंह को हरचंदपुर से टिकट मिला है। इसके अलावा भाजपा ने वीआरएस लेकर आए अरुण असीम को कन्नौज से टिकट दिया है। महाराजपुर से सतीश महाना और हाथरस से अंजुला सिंह माहौर को टिकट दिया गया है। इन 85 उम्मीदवारों को मिलाकर भाजपा अब तक 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से 26 विधायकों के टिकट काट चुकी है और अब भाजपा की अगली लिस्ट को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सबसे ज्यादा धड़कन उन विधायकों की बढ़ी हुई है जिनको टिकट कटने का डर सता रहा है। हालांकि भाजपा ने तय किया है वो ज्यादा टिकट नहीं काटेगी, लेकिन उन विधायकों के टिकट कटेंगे जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ले आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण की लिस्ट जारी करते हुए भाजपा स्क्रीनिंग कमेटी ने 7 सिटिंग विधायकों को चुनावी रेस से बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह नए चेहरों को जगह दे दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिपीट और नए प्रत्याशियों को टिकट मिलने की बधाई दी और सभी को एकजुट होकर भाजपा को जिताने की अपील की। तीसरे और चौथे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। कुल 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कुल 118 सीटों पर तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी कुल 85 सीटों पर कैंडिडेट घोषित हुए, तो क्या कुछ नामों पर अभी चर्चा चल रही है? निश्चित तौर से जो नाम फाइनल हो जाते हैं वो नाम की सूची आ गई आपके सामने, अब बाकी जो चर्चा होनी वो चर्चा करके आगे आ जाएगी। सूची सभी सीटों की आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, और चर्चा जहाँ पर कुछ बाकी है वो चर्चा पूरी करके आ जाएगी।
लेकिन हमारा लक्ष्य एक बार फिर से 300 पार का है, एक बार फिर से भाजपा सरकार का है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है, एक बार फिर से जो स्वप्न संजोए लोग बैठे हुए हैं उसको पूरा करने का। कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत ज्यादा विधायकों के टिकट काटेगी, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। ये जो 85 नाम आए, केवल 6 लोगों के टिकट कटे हैं इसमें? नहीं, कौन कटे हैं, कितनी गिनती में कटे हैं, यह एक अलग हिसाब है, लेकिन जिनके काटने की आवश्यकता होगी उन्हीं का टिकट काटा जाएगा। कैमरा जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो गुंजन, एक लंबी बहस, एक लंबा मंथन चला था कि जो सिटिंग विधायक है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके आधार पर ही ये टिकट काटे गए हैं। ऐसे में बहुत कम टिकट कटे हैं, तो ये देखना होगा कि क्या बीजेपी के इन विधायकों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है नहीं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक तरफ भाजपा ताबड़तोड़ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों पर भी दबाव बन रहा है। सपा भी लगातार अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, लेकिन सपा कई सीटों पर एक साथ नहीं बल्कि कुछ सीटों के प्रत्याशी घोषित कर रही है। जब इसको लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाजपा बौखला गई है। बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के लिए अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी। हालांकि समाजवादी पार्टी भी लगातार सिंबल अलॉट कर रही है, लेकिन लिस्ट जारी नहीं कर रही। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हैं, उनसे जानेंगे। नरेश जी, लगातार बीजेपी हमला कर रही है, कह रही समाजवादी पार्टी गुंडों को, माफियाओं को टिकट दे रही है, और अब लिस्ट भी जारी नहीं कर रही है, केवल सिंबल अलॉट कर दे रही है। भाजपा बौखला गई है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, फ्लॉप हो गई है। केवल टेलीविजन में और सारा का सारा वर्चुअल ये काम करते हैं, सिर्फ पगलाए हुए हैं, इनके हाथ से सत्ता निकल रही, एकदम बौखला गए। अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने जो आरएलडी के साथ सीटें थी उसकी तो लिस्ट जारी की, पर आपने बहुत जगह सिंबल अलॉट कर दिए, पर उसकी कोई लिस्ट जारी वाकई नहीं कर रहे। नहीं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि हम जहाँ जहाँ लोग हमको तय होते जा रहे हैं उनको हम सिंबल दे रहे हैं, और सूची हम सब इकट्ठी जारी करते हैं। पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55 सीटें हैं जहां चुनाव होना, तो वहां ज्यादातर आपने सबको सिंबल अलॉट कर दिया। सब समय से सिंबल अलॉट हो रहे हैं, जिसका जैसा चरण आ रहा है उसी तरीके से सिंबल अलॉट हो रहे हैं। कैमरा जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में चुनाव आयोग बड़ा ऐलान कर सकता है, चुनाव रैलियों और जनसभाओं को लेकर आदेश भी जारी किया जा सकता है। रैलियों और जनसभाओं से चुनाव आयोग रोक जो अभी तक लगी हुई थी कोविड को देखते हुए उसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक के लिए लगाई थी रोक, कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रैलियों पर रोक लगाई गई थी, और 22 तारीख आज है। आज देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, क्या इसे बढ़ाया जाता है या फिर इसे अभी इस पर रोक लगा दी जाती है और रैलियों की जनसभाओं की अनुमति सीमित संख्या में दे दी जाती है। तो तमाम जो पार्टियां हैं सभी लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं इस समय। और चलिए अनु, इस पे ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, पहले तारीख 14 कही गई, 14 के बाद 22 हुई, और आज एक बार फिर से चुनाव आयोग बड़ा ऐलान कर सकता है, हो सकता है कि रैलियों पर जो रोक लगाई गई थी अब उसे हटा दिया जाए। चलिए अविनाश जी, शायद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, किया जाएगा। लेकिन गुंजन, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, पूरे देश में जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में संभावना थोड़ी कम लगती है कि चुनाव आयोग कोई ऐसा बड़ा फैसला ले ले कि रैलियों की और जनसभाओं की अनुमति दे दे, क्योंकि अभी भी अगर आप दिल्ली या बाकी राज्यों की बात करें तो केसेस तो बढ़ रहे हैं। हालांकि आप देखिए, आप मुंबई में कितने ज्यादा केसेस आए हैं, हालांकि वहां चुनाव नहीं है लेकिन गोवा में चुनाव है। ऐसे में बाकी सभी राज्यों के लिए भी फैसला लेना वहां की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या फैसला चुनाव आयोग इसके मद्देनजर लेगा, ये भी देखना होगा। बिल्कुल अनु, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान में हमें रखना होगा कि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग फैसला ले। चलिए अब रुक करते हैं धुआंधार 22 का। भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा करहल सीट भी हारने से नहीं बचा पाएगी। बदायूं से सपा नेता का धमकी भरा वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में भाजपा के लोगों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं सपा नेता ब्रजेश यादव। बदले में भाजपा नेता ने भी सपा नेता को दी धमकी।
संघ से जुड़े भाजपा नेता मुखिया गुर्जर को सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा। लिखा, सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संघी सेकुलर बन जाते हैं। सपा ने भाजपा नेता मुखिया गुर्जर को हसनपुर सीट से टिकट दी है। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। मुरादाबाद देहात में हाजी नासिर कुरैशी ने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपने समर्थकों संग निकाला जुलूस। बिना मास्क पहने नजर आए कार्यकर्ता। एटा की काशीराम कॉलोनी के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। सरकारी आवास में अवैध कब्जेदारों से परेशान है लोग। मूलभूत सुविधाओं का भी है अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कांग्रेस और फिर टिकट ना मिलने पर सपा से बगावत करने वाले इमरान मसूद के तेवर ठंडे पड़ चुके हैं। बिना शर्तों के एक बार फिर इमरान मसूद वापस सपा में शामिल हो गए हैं। इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन सपा में अब उनकी जो हालत है उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि इमरान मसूद का राजनीतिक भविष्य अब क्या होने वाला है। मंजिले मकसूद सपा में आ ही गए। मसूद बदलेगा पश्चिमी यूपी का मिजाज। लखनऊ में किसका होगा राज? अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे तुम, मुसलमान मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए। कांग्रेस छोड़कर आए इमरान मसूद को आखिरकार अपनी मंजिल मिल ही गई, क्योंकि जब से इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ी है तब से उनके कभी इधर कभी उधर जाने की चर्चा थी। कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बसपा का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन बसपा का दरवाजा खुलता उससे पहले उनकी अखिलेश यादव के साथ सुलह हो गई। और जो इमरान मसूद कल तक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, वो अब खुद को समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं। मैं कोई दल हूं, मैं एक सिपाही हूं अखिलेश यादव का, मुझसे क्या समझौता होगा? मैं सिपाही हूं, अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, जहां लगाएंगे वहां जाऊंगा, जहां जो काम देंगे वो उस करूंगा, तो मुझसे क्या समझौता होगा? मैं तो एक सिपाही के रूप में काम करूंगा। रणनीति नहीं है, बिल्कुल साफ है, सच्ची बात बोलनी चाहिए। जो हालात हैं उन हालात को हालात के मद्देनजर अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर किसानों की नौजवानों की मजबूत सरकार बनी। वैसे इमरान मसूद की माने तो उन्होंने 11 जनवरी को ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन सदस्यता लेने के बाद भी टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने ना इमरान मसूद को टिकट दिया ना उनके साथ आए मसूद अख्तर को। हालांकि इमरान मसूद कह रहे हैं उन्हें टिकट का कोई लालच नहीं है। मैंने कहा हमारे वैचारिक मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हम लोग वैचारिक तौर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और इस वैचारिक लड़ाई में अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। बाकी सब मुद्दे गौण हैं, ना कोई नाराजगी है, ना कोई टिकट है, कुछ नहीं है, सब मुद्दे गौण हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में सपा रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में हर किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल इमरान मसूद के जनाधार का है, क्या उनके सपा में आने से पार्टी को फायदा होगा? लेकिन उससे पहले पिछले चुनाव के नतीजों को समझना होगा, क्योंकि 2017 चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी, इनमें 2 सीट सहारनपुर जिले से ही थी। हालांकि इमरान मसूद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, लेकिन उनके जनाधार से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान मसूद पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा है। उनके लौट कर आने पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला सपा के मजबूत होने की बात कह रहे हैं। इमरान मसूद साहब की बात करूं तो मैं इस बात पर इसलिए भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इमरान भाई से मेरा अपना जाती ताल्लुक बहुत अच्छा है, और अगर वो साथ आ गए हैं तो उससे फायदा ही होगा, और फायदा नहीं बहुत फायदा होगा। इमरान मसूद तो सपा में लौट आए, लेकिन भाजपा छोड़कर गए हरक सिंह रावत भाजपा में नहीं लौट पाए। हरक सिंह रावत जिस कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए, वो फिर से उसी कांग्रेस में लौट आए हैं। खुद हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। फिर से कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बना हूं, एक कार्यकर्ता बना हूं, और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूं मेरा प्राश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी,
और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं समझूंगा कि जो मैंने एक गलती 2016 में की थी आज उस गलती को मैं मुझे माफी मिल गई है। मतलब चुनावी मौसम में इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी वजह टिकट है, क्योंकि सबको टिकट चाहिए। कोई खुद के लिए टिकट मांग रहा है तो कोई अपने परिवार के लिए, और जिसे नहीं मिल रही वो अपनी पार्टी का दामन छोड़ दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, पाला बदल कर आ रहे नेता क्या जीत दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो गुंजन, आखिरकार इमरान मसूद अब कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। हालांकि शुरुआत में वे बीएसपी में भी जाना चाह रहे थे जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें एंटरटेन नहीं किया, लेकिन अब आखिरकार उनकी वापसी हो गई है, समाजवादी पार्टी में वे पहुंच गए।